गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। हियर आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास सिक्स चैप्टर वन कंप्यूटर, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्राम फिल करना है। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू फोर कैटेगरीज। हमने डिस्कस भी किया था, फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। सुपर कंप्यूटर, मेन ट्रेन कंप्यूटर एंड मैक्रो कंप्यूटर। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर दैट इज 0 and 1, इट इज मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज यूजेस सिंपल इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यूजर के रीडेबल फॉर्मेट में लिखी होती है। निम्नलिखित जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो है निम्नलिखित कोड्स यूज करने लगी थी, जैसे एड, सब्ट्रैक्ट। इन बाइनरी लैंग्वेज 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट। 0 का मतलब ऑफ होता है एंड 1 का मतलब ऑन। सनवे टेफ्लाइट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है। द हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एन एम्बेडेड सिस्टम हैज कंप्यूटर हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इनटू अ लार्ज डिवाइसेस। अ लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स के हमने बताए थे आपको, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। एक्सरसाइज बी स्टेट ट्रू और फॉल्स। वन इज मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मशीन लैंग्वेज ही केवल समझ पाती है, दैट इज ट्रू। असेंबली लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। नो, इट वॉज द सेकेंड जनरेशन, आफ्टर मशीन लैंग्वेज इट कम्स, सो इट इज फॉल्स। Each programming language has its own specific rules. Yes, हर programming language की अपना particular syntax होगा, particular rules होगा, तो it is a true. A compiler converts high level language program into machine level language line by line. No, ये interpreter करता है, line by line interpreter करता है, so it is false. The high level language program has to be converted into the machine language by the translator program. High level language program जो है convert हो जाता है finally into machine level language by translator program. Yes, it is true. Programming is the process of writing specific instructions in a computer language. Yes, programming language जो होती है इससे हम instructions लिखते हैं, programs लिखते हैं, code लिखते हैं, true. मशीन लैंग्वेज यूजेस न्यूमेरिक कोड्स। नो, असेंबली लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड्स यूज करती थी, सो इट इज फॉल्स। एम्बेडेड सिस्टम्स आर इक्विप्ड विद द टच स्क्रीन्स। नो, एम्बेडेड में टच स्क्रीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अ गेम कंसोल कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू द टेलीविजन और कंप्यूटर। यस, टेलीविजन से हम गेम को खेल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन इजली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। Yes, true. Third exercise, application based questions. Raman is working in the National Weather Forecasting Agencies. Which type of a computer is using to forecast the weather conditions? Super computer हमने बताया था सबसे fastest computer होता है। इसका use होता है वो ISRO और हमने NASA में बताया था इसका use होता था। तो अगर weather forecast करना है, मौसम के बारे में जानकारी आपको बतानी है, तो सुपर कंप्यूटर यूज किया जाएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डू इंडियन रेलवे यूज टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। तो हमने बताया था सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा। अगर कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करेगा। तो रेलवे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करता है। सुमित इज ट्राइंग हिज हैंड एट जावा प्रोग्रामिंग but he does not know which type of language is it. Help him to solve his query. High level language hai java because it is
इंग्लिश रिटन स्ट्रक्चर्स में होती है, इट इज यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है, तो ये जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज ही अगर इसमें आती है। एक्सरसाइज डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी कोडिंग यूजर लिखता है वो हमेशा सोर्स कोड होता है, और कंप्यूटर जो उसको अंडरस्टैंड करता है उसको ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या बाइनरी कोड बोलते हैं। एंड कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर करता है और कंपाइलर होल प्रोग्राम को इकट्ठे कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर इज करेक्ट। द प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है, मशीन कोड इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बाइनरी कोड, कई नामों से इसको जानते हैं। लैपटॉप यूजुअली हैव इंच स्क्रीन, कितने इंच की स्क्रीन होती है, दैट इज बिटवीन 13 to 15, जनरली होती है, बाकी बड़ी भी हो सकती है। आर यूज इन होम्स, स्कूल, शॉप्स, ऑफिस, बैंक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने बताया था हम जितने भी माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं वो हम अपने पर्सनल यूज में करते हैं, तो यहाँ पर मिड माइक्रो कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको आपको कॉपी पे नोट करना है, फेयर कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। 0 मीन्स ऑफ होता है एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज के बारे में, आपको डिफ्रेंशिएट असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने बताया था न्यूमेरिक कोड्स आपका यूज किया जाता है, लेकिन जो मशीन होता है मशीन कोड में आपको 0 और 1 यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो फीचर्स क्या है हाई लेवल लैंग्वेज, एज द फॉलोइंग फीचर, इट यूजेस इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और ये इंग्लिश वर्ड यूज करता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करता है, बिकॉज इट इज ईजी टू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है। इट इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो हम पहले ही बता चुके हैं इंटरप्रेटर होल प्रोग्राम को करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है, एंड कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट। Next is what are the features of high level language. High level language has the following features. It uses English words and mathematical operators. इसमें English words होते हैं, mathematical operators होते हैं, easy to understand होता है, user readable format में होता है। It is machine independent. किसी भी तरीके से ये dependent नहीं होती है, independent होती है। Next question is for differentiate between an interpreter and compiler. इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर क्या करता है होल प्रोग्राम को एट ए टाइम कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज दिस एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो वेरी हाई स्पीड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, और ये आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। SQL इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, एक्सप्लेन एनी वन। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर, जितने भी हम यूज करते हैं हमारे एनवायरमेंट में अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कम्स इनटू द माइक्रो कंप्यूटर्स कैटेगरी। डेस्कटॉप कंप्यूटर 3 माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा, लैपटॉप, टैबलेट एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, ये सभी आपकी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज में आएगी। नेक्स्ट वन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड टैबलेट। लैपटॉप पोर्टेबल होता है, उसको हम एक प्लेस से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसमें बैटरी लगी होती है, स्मॉल साइज होता है, छोटा होता है। और टैबलेट जो होता है, दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड लाइटर देन द लैपटॉप। लैपटॉप से भी ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, इनकी जो साइज होती है यूजुअली 7 to 8 inches या 10 inches होती है।
चैप्टर वन का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है, नेम ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन। तो पहले ही हमने बताया थे मशीन लैंग्वेज है, नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज, नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज और नेक्स्ट क्या है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। अब आपका चैप्टर वन कम्प्लीट हो गया, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है।